हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप अपना पैन कार्ड फ्री में बना सकते हैं। तो अब फ्री में बनाने की बात सुन, जो भाई लोग सर्विस देते हैं पैन कार्ड के, जो चार्ज लेकर बनाते हैं, उनके लिए भी दुखी होने की बात नहीं है। उनके लिए बताएं कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं आप पैन कार्ड की सर्विस देके और ज्यादा लोग को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और आप अगर खुद के लिए पैन कार्ड बनाना चाह रहे हैं तो फ्री में पैन कार्ड भी 2 घंटे के अंदर बनाना स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा देंगे। जिस पैन कार्ड वैल्यू हर जगह इक्वल सेम, यानी कि उसका वैल्यू जो पैन कार्ड बनाते हैं उनके बराबर ही होता है, एक ही होता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि पैन कार्ड खुद का बना लिया जाए और इस वीडियो देखकर फ्री में बना सकते हो, तो वीडियो को बिना एक भी पल स्किप किए एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको आना है, गूगल पे सर्च करना है इनकम टैक्स 2.0। आप डायरेक्ट इनकम टैक्स वेबसाइट पे जा सकते हैं एंड वहां पे पहला ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस प्रकार के पोर्टल पे आ जाओगे। अब यहाँ आने का सबसे स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे तो यहाँ सो मोर, और यहाँ देखेंगे सबसे नीचे आपको मिल जाए इंस्टेंट ई पेन, यहाँ पे इसे क्लिक करना है। जैसे ओपन करेंगे इसे, यहाँ सामने इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाएगा आपको, गेट न्यू पेन कार्ड, चेक स्टेटस और डाउनलोड पेन कार्ड। हमें नया पेन बनाना है तो हम गेट न्यू पेन कार्ड करेंगे। जब पेन बन जाएगा तो स्टेटस देखने के लिए हम यहाँ पे डाउनलोड या फिर कंटिन्यू करेंगे, हम भी नया अप्लाई करना है तो उसके लिए चलते हैं। यदि क्लिक करें यहाँ पे आपको बायोडेटा का आपका आधार नंबर मांगा जाएगा। अब देखो एक कंडीशन समझ लो, जो मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट बात है, आपके आधार कार्ड में आपका लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर पे ओटीपी के लिए कॉल आना जाना, मतलब कि एक्टिव होना चाहिए मोबाइल नंबर। सेकंड बात, कोई सिग्नेचर रिक्वायर नहीं है, ऐसे पैन कार्ड में सिग्नेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता नहीं है। अगर आप उसे आधार वेरिफिकेशन करते हैं तो, एंड पैन कार्ड में जो फोटोग्राफ आपके आएंगे ना वो आपके आधार कार्ड में जो फोटोग्राफ है उसी से आएगा। तो अगर आपका आधार कार्ड नंबर लिंक नहीं है तो नीरेस्ट आधार कार्ड ऑफिस विजिट करो और नंबर लिंक करा ले, क्योंकि नंबर लिंक कराना आपका हमेशा के लिए कुछ ना कुछ काम आएगा ही आएगा, आपके लिए फायदा ही रहेगा। उसके बाद आप अप्लाई करो अगर आपका लिंक नहीं है, अगर लिंक है तो वीडियो को आगे देखते रहे। यहाँ पे आपको आधार नंबर अपना डाल लेना है जो आधार मोबाइल नंबर से लिंक है। तो हमने आधार नंबर डाल दिया एंड आई कंफर्म क्लिक करें। यहाँ जो पढ़ने रिलेटेड चीजें देख सकते हैं, इस चीज को आप पढ़ लेंगे, आई नेवर बी अलाउड, आपने कहीं पैन कार्ड अप्लाई नहीं किया हुआ है, माई एक्टिव मोबाइल नंबर इज लिंक विद आधार, माई कंप्यूटर डेट ऑफ बर्थ डीडीएम इज अवेलेबल ऑन आधार कार्ड, दिख रहा है वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ईयर दिखता है। उसके बाद आई एम नॉट माइनर ऑन एप्लीकेशन डेट ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी माइनर के नहीं, आप 18 से कम करें, 18 से ऊपर तो ही बना सकते हो, ये कंडीशन सब है। एंड यहाँ पे जितने भी कंडीशन है चारों आप अगर पूरे करते हो तो यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन खुल जाएगा, टर्म एंड कंडीशन आर रिक्वायर फॉर ओटीपी बाय एसएमएस योर आधार लिंक मोबाइल नंबर एंड ईमेल, दोनों पे ओटीपी आ जाता है। और हम आई हैव रीड और टर्म एंड कंडीशन करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे हमारे रजिस्टर मोबाइल पे ओटीपी गिरेगा, ओटीपी आ गया एंड ओटीपी हम नोट करेंगे, जो ओटीपी हमारा आएगा उसे मिला ले और मिलाने का टिक पे क्लिक कर आई अग्री टू वैलिड माय आधार डिटेल विद यूआईडी आफ्टर सक्सेसफुली वेरीफाइड ओटीपी एंटर्ड बाय यू एंड रिक्वेस्ट फॉर ईकेवाईसी आधार डाटा विल बी फेच फ्रॉम यूआईडीआई कंटिन्यू। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे ओटीपी डाले, आपका वहां पे जो आधार कार्ड रजिस्टर फोटो वो फोटो शो कर जाएगा, आपका आधार नंबर लास्ट 4 डिजिट देखेगा, नाम दिख लिया मिला लेना, नाम सब कुछ सही है, डेट ऑफ बर्थ देख लेना सही है, मेल पे तो बाय डिफॉल्ट है, मोबाइल नंबर आपका लास्ट का कुछ वर्ड दिख जाएगा एंड ईमेल आईडी लिंक कर दे। तो यहाँ पे आती ईमेल की बात, देखो अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो वहाँ पे डालो, एक ओटीपी गिरेगा, मैं आपको दिखा दूंगा ईमेल डाल के। अगर आप खुद का बना रहे हैं तो अपना ही डालें, मेल पे आपको ई पेन आ जाएगा यानी पैन कार्ड की कॉपी। अगर आप किसी दूसरे का बना रहे हैं एज ए सर्विस दे रहे हैं तो अपना डाल सकते हैं, आपको मेल आ जाएगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं भी मेल डालोगे कोई इशू नहीं है। ईमेल डाला एंड सबमिट कर दिया, यहाँ पे सबमिट किया, हमारा ईमेल वेरीफाई हो गया। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये ऑप्शनल है, अक्सर दोगे तो अच्छा है, नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन मत है, ई पेन नहीं आएगा, वो डाउनलोड करने में प्रोसेस वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा ही बताऊंगा। एंड आई एक्सेप्ट दैट एंड जो भी यहाँ पे डिटेल वगैरह पढ़ लें और इसे कंटिन्यू कर लीजिए। जैसे कंटिन्यू करेंगे हमारे सामने आ जाए योर रिक्वेस्ट फॉर ई पेन हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली और एसएमएस थ्रू भी आपको ये डिटेल आ जाएगा एंड ईमेल पे भी ये डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपका रेफरेंस आईडी यहाँ पे आप रख सकते हैं इसे नोट करके। एंड यहाँ पे गो टू लॉगिन का ऑप्शन आ गया। अब क्या आपका 2 घंटे वेट के लिए, 1 से 2 घंटे आपको मेल पे, अगर मेल पे आता है तो बढ़िया है, ई पेन वहाँ से आपको डायरेक्टली कर सकते हैं, आपका खुद का है तो उसे प्रिंट आउट करा लो, आपका सारे में यूज में आएगा। अगर आप सर्विस देते हो, वैसे के लिए बेसिकली मैं बताऊँ, जो लोग सर्विस देते हो 200 से 250 300 रुपये पैन कार्ड के ले लेते हैं बनाने के, अगर आप इस प्रकार दे रहे आप 100 रुपये लोगे और प्रिंट आउट कलर प्रिंट निकाल दोगे तो भी आपका प्रॉफिट आप अपने हिसाब से ज़्यादा लेना। हाँ, इस पर बाय पोस्ट आपके घर पे कोई भी पैन कार्ड नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब चेक कैसे करें, डाउनलोड कैसे करना, उस चीज़ को हम आपको चलिए बताते हैं। जब हमने स्टार्ट में जब पोर्टल पे आए थे, यहाँ 2 ऑप्शन था, गेट न्यू पैन कार्ड, चेक स्टेटस एंड डाउनलोड पैन, यहाँ पे कंटिन्यू भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे आधार नंबर हमसे मांगा जा रहा है। अभी हमने जो आधार कार्ड अप्लाई किया था वो डाल के चेक करेंगे कि ये कितने दिन में बनेगा,
मैं कहूँ 2 घंटे बाद चेक करो, डेफिनेटली आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा और डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दिख जाएगा। हमने यहाँ पे ओटीपी बेस पे अपना दोबारा चेक एक्सेस कर रहा हूँ और यहाँ देख सकते हैं थैंक यू फॉर यूजिंग ईपीएन सर्विस, वी आर वैलिडेटिंग योर डिटेल एंड प्लीज चेक आफ्टर अ आवर, 1 घंटे के बाद दोबारा चेक कर ले। 1 घंटे से 2 घंटे के बीच टाइम लगता है एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट आई डी दे दिया गया और पेंडिंग पर है। जैसे ये कंफर्म होता है मेल पे आपको ईपेन एंड फाइनली आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दोनों देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ से आप खुद के लिए बना रहे हो तो डाउनलोड कर लो। अगर आप सर्विस दे रहे हो तो बस इसे प्रिंट आउट निकाल कर लैमिनेट वगैरह जो भी आपके कॉस्ट बनते चार्ज बन प्रॉफिट देखकर आप सर्विस दे सकते हो। इंस्टेंट सर्विस मिलेगा, कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा कि तुरंत मिल रहा है। हाँ, बस शर्ते आधार कार्ड या मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए। तो ये था पूरा प्रोसेस कैसे आप फ्री में पैन कार्ड बना सकते हैं खुद के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे बनाए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप इस मेथड का यूज करके अपना खुद का पैन कार्ड, नया पैन कार्ड बना सकते हो। तो फिलहाल अभी तक बने के बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। वीडियो पर तो कुछ आपकी राय, कोई प्रॉब्लम इस वीडियो के तहत, इस जानकारी के तहत कुछ इशू आ रही है, आप चीज अपने राय कमेंट करके बताएं। और क्या आपको इससे पहले से मालूम थे या फिर इस वीडियो देखने बाद आपको इस चीज की जानकारी मिली है, नीचे अपने राय कमेंट कर जरूर दें। हम चैनल में पहली बार आए ऐसे नॉलेज और टेक्निकल फैक्ट वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन पर ऑल पे कर दे। तो मिलते हैं एक और फ्रेश नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दोस्त एंड होस्ट टेक्निकल साइनिंग आउट। देखो मगर प्यार से।